क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से जो है जितने भी त्यौहार आए हैं कहीं ना कहीं उन त्यौहारों की मिठास जो है फीकी पड़ गई है। ऐसे नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि के लिए भी सरकार द्वारा अब गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। जिस तरह से नवरात्रि के पर्व में बड़ी ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता था, इसमें डांडिया खेली जाती थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसके निर्देश अनुसार उसका पालन करना अनिवार्य है। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इसी को लेकर एक बैठक की गई थी जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी और मनपा के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, फायर ब्रिगेड के अधिकारी सभी लोग यहां पर मौजूद थे और इस पे जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी किया गया है, मुंब्रा शहर के जो तमाम मंडल है जहाँ नवरात्रि के लिए नवरात्रि की गरबा खेला जाता है, जहाँ डांडिया खेली जाती है, उन सभी मंडलों को दिशा निर्देश बताया गया है कि जो सरकार द्वारा जारी किया गया है उसका पालन करना है। जो मंडल है उसमें 5 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं और डांडिया भी आप नहीं खेल सकते हैं। पूरा दिशा निर्देश किस तरह से जारी हुआ है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने जो जानकारी दी है वो सुनिए। सत्रह तारीख से नवरात्रोत्सव चालू हो रहा है। सभी मुंब्रा वासियों को मैं पुलिस स्टेशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 29 सितंबर 2020 को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया है उसमें पहला ये है कि कोई मेरोनोक निकलेगी नहीं है, कोई राज गरबा या दांडिया का प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक मंडल है उनको 4 फीट की मूर्ति का और जो घर में बिठाने वाले उनको 2 फीट की मूर्ति का उनको परमिशन दिया हुआ है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बाद में सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अवेयरनेस प्रोग्राम लेने को गवर्नमेंट ने कहा हुआ है। COVID-19 जो डिसीज है उसको प्रिवेंट करने को जो जो करना है वो सब मंडल को हमने बताया हुआ है और उनकी गाइडलाइन का आज हमने उनको जानकारी दी है। उसमें गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया वो 5 लोगों के ऊपर कोई आदमी नहीं रहेगा, 5 लोगों के लिए परमिशन दिया हुआ है एक मंडप में।